हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम यस बैंक के रिगार्डिंग बात करेंगे, यस बैंक में क्या पैटर्न बन रहा है और दो न्यूजेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूजेस हैं जो आप सबको समझना चाहिए। देखिए मेन क्या है, फिर तो आपको अगर आप यही जानना चाहते हो कि यस बैंक बढ़ेगा या घटेगा तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि भैया यस बैंक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप चाहे तो वीडियो छोड़ के चले जाओ। लेकिन मेन क्या है, आपको सीखना है। अगर आप यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हो, तो आपका मेन मकसद यही है कि यहाँ से कुछ आप ज्ञान अर्जित करो, कुछ आप सीख कर जाओ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। इस न्यूज़ से हो सकता है कोई आप अन्य स्टॉक पे आप उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको सहायता मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबके सामने। यहाँ पर आज मैंने अपना यूट्यूब का पूरा स्टूडियो लाइव दिखा दिया है, ये आप देख पा रहे हो। 4598 मेरे सब्सक्राइबर हैं अभी, और आप सबका सपोर्ट रहा तो एक दिन में कल परसों तक ही 5000 हो जाएंगे, उसके बाद 10000। मतलब आप अकेले अगर सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है। आप लोग ही मेरे एसेट हो, मेरा कोई पैसा नहीं है, मेरा कोई रुपया एसेट नहीं है, मेरा कोई गोल्ड एसेट नहीं है, मेरा एसेट सिर्फ आप लोग हो। आप लोग जितने ज़्यादा मेरी जितनी बड़ी फैमिली बनेगी मैं उतना ज़्यादा खुश होऊंगा। तो होप करता हूँ आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया है मेरे इन बातों को सुनकर, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा, फिर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके भी आप जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस बैंक का हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, आप सबके सामने है। अगर हम पैटर्न देखें तो बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली है, फिर उसके बाद हमें नीचे 3 दिन लगातार डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद फिर अप गया, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। कल का बाजार आप सबको पता है क्या हाल हुआ था। अभी 17.60 रुपये का रेंज चल रहा है। अब इसमें क्या करना चाहिए, क्या बनना, देखिए चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ ना तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये जो 21 रुपये का लेवल है ना, 21 रुपये का लेवल ये तोड़ नहीं पाया। अगर मैं और इसको छोटा करूँ तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो ये देखिए आने वाले समय में यही इसका सपोर्ट बना था पिछले समय में, और यही इसका अभी रेजिस्टेंस बन रहा है ये रेंज। ये अगर आप देखोगे यहाँ से गिरता हुआ आया था, यहाँ से रिटर्न हुआ था, यहाँ से 20.47 रुपये से 31 रुपये तक शेयर हमें भागता हुआ दिखा था 30 रुपये तक। तो यही इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, जिस दिन यह 21 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देगा हमें बढ़िया तेज़ी, 30 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ये लेवल हमें देखने को मिल जाएगा 32 रुपये का। भैया 32 रुपये पर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आप चाहिएगा तो 30 रुपये पर एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि 30 रुपये से शेयर मुड़ जाएगा अगर जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचता है तो। अब न्यूज़ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस भी डिस्कस करूँगा, और ये भी डिस्कस करूँगा कि हमें किस रेंज में बाइंग करना चाहिए और किस रेंज में होल्ड करना चाहिए, कहाँ तक के लिए होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखिए जैसे कि कुछ दिन पहले आप ये कह रहे हो कि तो पुराना न्यूज़ है भाई, लार्ज कैप में जा रहा है शेयर, तो कुछ दिन पहले ये न्यूज़ डिस्कस किया था मैंने अपने चैनल पर, वीडियो भी बनाया था। तो अभी भैया ये न्यूज़ आज का है, आज 23 दिसंबर, और सुबह 12 बजे के अराउंड ये न्यूज़ आया था। तो देखिए यहाँ पर AMFI जो म्यूचुअल फंड्स की को सारा चलाती है, उसके में एमएफआई ने न्यू लिस्ट तैयार कर लिया, इंक्लूड ग्लैंड फार्मा और यस बैंक, अदानी इंटरप्राइज, 3 अदर शेयर्स हैं जो कि लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहे हैं। तो भैया खुशखबरी है कि यस बैंक अब कंफर्म हो गया कि लार्ज कैप में शिफ्ट हो गया है, और फरवरी अगर आप देखोगे कल आपको तेज़ी भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर देखें यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर देखूँगा तो यहाँ देखिए 1st week of January 2021 में यहाँ से आपको इफेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो एक तो ये न्यूज़ था, यहाँ पे देखिए आपको देखिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आपको मैं बता दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम से मुझे एकदम से याद आ गया, तो आपको बता दूँ भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में एक कॉल भी बन रही है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। एंड एक मैं डिस्कशन आपसे और करना चाह रहा था, देखिए वीडियो को मैं मिडल में ही कर दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग मिड तक ही देखते हैं, एंड तक जाते ही नहीं हैं, तो उनको पता लगे। एक मैं इसमें ना सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूँ कि वीक में मैं एक वीडियो पैनी स्टॉक के ऊपर बनाऊँ। अब आप कहोगे भैया ये किस रास्ते पे जा रहे हो, पैनी स्टॉक तो बेकार चीज़ है, यहाँ तो पैसे बर्बाद होते हैं। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो पैसे लगाते हैं उनके पैसे ज़ीरो हो जाते हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ पैनी स्टॉक्स मल्टीबैगर भी बनते हैं। आप एग्री हो तो प्लीज़ नीचे एग्री करके कमेंट कीजिए, और
मैं फिर आगे ट्राई करूंगा और डेली सॉरी वीक में एक वीडियो पेनी स्टॉक के ऊपर बनाऊंगा जो कि 10 रुपए के वीलो ट्रेड कर रहे हैं एंड उनके फंडामेंटल्स भी हैं। जैसे कि एक वीडियो हमारे चैनल पे आने वाला है, एक ऐसा स्टॉक है जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 पैसे का चल रहा है और उसका फंडामेंटल गजब का है, डेट फ्री कंपनी है आने वाले, और इस क्वार्टर में उसने प्रॉफिट भी अर्न किया। आने वाले समय में मतलब धमाकेदार प्रॉफिट, हमें मल्टीबैगर 2000% का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज में शुरू करूँ तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, फिर मैं आगे फर्दर कल से स्टार्ट करूँगा ये। देखिए अगर मैं बात करूँ पैनी शेयर ना, तो जो टाइटन की अगर मैं बात करूँ, राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन से बने हैं वो, और टाइटन उस समय 4 रुपये का था जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। चलिए अब अपने यस बैंक पे मुड़ते हैं। यस बैंक का एक और बड़े और मज़ेदार खबर भैया, यस बैंक पार्टनर्स विद सेल्स फोर्स टू एक्सीलेट रिटेल ग्रोथ टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए भैया यस बैंक ने पार्टनरशिप किया है सेल्स फोर्स से। सेल्स फोर्स क्या है अगर आपको नहीं पता है तो एक छोटा सा काम करते हैं आप सबके क्लैरिफिकेशन के लिए, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे गूगल में सीधा सीधा पेस्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेल्स फोर्स क्या है। ये सेल्स फोर्स का यहाँ पे ऐड भी चल रहा है। ये क्या करता है, कंपनी को ऑनलाइन, अमेरिकन कंपनी है, कंपनी को ऑनलाइन जाने में मदद करता है, वेबसाइट बनाता है, मतलब कुल मिला जुला के आपको ऑन आपके सेल्स को फोर्स करता है, आपके कमाई को, आपके बिजनेस को एनहेंस करता है, उस पर आपको रॉकेट की तरह काम करता है। तो उनके साथ पार्टनरशिप किया है, क्यों किया है, जो उनके रिटेल कस्टमर हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर कोलाब का अनाउंस है, 23 दिसंबर को आज ही अनाउंस किया, अनाउंस्ड कोलाब्रेशन विद सेल्स फोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, आने वाले समय में इसका ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो हो गया न्यूज़ का बात, अब बात कर लेते हैं इसके लेवल्स का। तो देखिए भैया 12 रुपए का बहुत स्ट्रांग लेवल है, 12 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। स्टेट बैंक के अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट ने भी ये वर्ड यूज़ किया था कि हमने तो 10 रुपए के भाव में शेयर उठाया है, उसके नीचे खोने के लिए कुछ नहीं है यस बैंक में। तो बिल्कुल सही है, खोने के लिए कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर ये बन जाए। तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, टाइट करके रखिए, पॉजिटिव रहिए, थोड़ा बहुत फंड लिक्विड रखिए, मौका आने पे और भी माल उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये खुल भी गया, आप देखिए यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बनाती है कंपनी। तो होप करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर से कह दे रहा हूँ, एक बार रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ कि भैया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना यार, रिक्वेस्ट वाली बात है ये। थैंक यू गाइस।